जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ इमली और खजूर की खट्टी मिट्टी चटनी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब जान लेते हैं कि इस चटनी को बनाने के लिए किन किन साहित्यों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले भिगो के रखी हुई इमली ले लीजिए, भिगो के रखे हुए खजूर ले लीजिए, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग ले लीजिए। उसके बाद आप सौंफ लीजिए, जीरा ले लीजिए, लाल मिर्च ले लीजिए, नमक स्वाद अनुसार, धनिया के बीज ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए और सौंफ ले लीजिए। अब प्रेशर कुकर ले लीजिए, उसमें जो भिगो के रखी हुई इमली है वो डाल दीजिए। उसके बाद हमको इसमें खजूर डालना है जो भिगो के रखे हुए थे हमने। उसके बाद तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग डाल दीजिए, बड़ी शेप डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, इसमें अखा धनिया डाल दीजिए। और इस सारे मिश्रण को आपको पकाना है। एक बार ये मिश्रण पक गया उसके बाद आपको इसको बाहर निकालना है और इसको हमें बारीक करना है मिक्सर के अंदर। तो ये मिश्रण आपको मिक्सर में डालना है और इसे बारीक करना है। तो हमारा मिश्रण बारीक हो चुका है, अब हमें इसको छान लेना है। तो आप धीरे धीरे से छाने। इस चटनी का उपयोग आप अलग अलग डिशेस लाइक पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी, ऐसे अलग अलग डिशेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब आप इस मिश्रण में नमक डाल दीजिए। फिर इस मिश्रण में आपको सौंठ पाउडर डालना है। इसके बाद आपको इसमें काला नमक पाउडर डालना है इसमें। अब आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब आप इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दें जिससे कि ये एक संग हो जाए। तो अभी ये अच्छी तरह से मिश्रित हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी इमली और खजूर की खट्टी मिट्टी चटनी बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।